अपने प्राइवेट पार्ट को निकाल के गलत गलत हरकतें कर रहा था। नाम बोल। दिल्ली के गंजावला में एक लड़की को 12 किलोमीटर तक कार से घसीटा गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। जिसने भी इसे सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। अब हर कोई अंजलि को न्याय दिलवाने के लिए एकजुट है, लेकिन एक तरफ अंजलि का मामला है तो दूसरी तरफ दिल्ली में DTC बस में महिला के साथ बदतमीजी और अश्लील हरकत करने का एक मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसे देखने और महिला की बात सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल दिल्ली की DTC बस में जाकिर नाम के शख्स को अश्लील हरकत करते पकड़ा गया। मामले से जुड़ा एक वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बस में सफर कर रही एक युवती ने बताया कि जाकिर ने उसे देखकर अपना प्राइवेट पार्ट निकाला और गंदी हरकतें करने लगा। लड़की की शिकायत के बाद बस में तैनात मार्शल हरकत में आया। उसने आरोपित शख्स को पकड़ लिया और उससे सवाल जवाब करने लगा। वायरल वीडियो में आरोपित अपना नाम जाकिर बता रहा है। जाकिर ने बताया कि वह बिहार का रहने वाला है और दिल्ली के खजूरी में रहता है। लड़की की शिकायत के बाद बस में तैनात मार्शल ने उसको पकड़ा और उसकी वीडियो बनवाई। वीडियो में मार्शल आरोपित से सवाल जवाब करता नजर आ रहा है और पूरे वीडियो में जाकिर आंसू बहाता नजर आ रहा है। नाम बोल। जाकिर। जाकिर कहाँ का रहने वाला है? तो एक मिनट कहाँ का रहने वाला है? बिहार का। यहाँ दिल्ली में कहाँ रहता है? वायरल वीडियो में एक तरफ जहां मार्शल संदीप लड़की की मदद कर रहे हैं, घटना और सामने आई थी जिसमें दिल्ली DTC बस के मार्शल पर महिला मार्शल्स के रेप का आरोप लगा था। रिपोर्ट के मुताबिक तौसीफ नाम के मार्शल ने जन्मदिन के बहाने साथी महिला मार्शल को अपने घर बुलाया, नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ रेप किया। यही नहीं, तौसीफ ने इसका वीडियो भी बनाया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर वो महिला मार्शल का लगातार यौन शोषण करता रहा। महिला बदनामी की डर से उसका अत्याचार सहती रही, लेकिन जब तौसीफ की प्रताड़ना नहीं रुकी तो उसने अपने पति को इस सब की जानकारी दी। इसके बाद दिल्ली के खजूरी खास थाने में इस संबंध में रिपोर्ट लिखवाई गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर तौसीफ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।